मेहरा गांव के कोतवाली पुलिस ने शराब भट्टी पर मारा छापा, जिसके दौरान पुलिस टीम ने 6 बंद घरों का ताला तोड़कर उसके अंदर छिपाकर रखे गए 103 लीटर देसी शराब बरामद किया और घर के अंदर वो पास के तालाब में छिपाकर रखा लगभग 20 कुंटल लहन भी नष्ट किया। वहीं अवैध शराब के एक कारोबारी को पुलिस ने पकड़ लिया है, जबकि लगभग 6 शराब कारोबारी भागने में सफल है। हालांकि पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल आजमगढ़ में हुई जहरीली शराब से मौतों के बाद जिला प्रशासन की भी आंख खुल गई है। आए दिन कहीं न कहीं छापामारी कर अवैध शराब कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पेश है कौशाम्बी के संवाददाता राम किशन की खास रिपोर्ट। निर्देशन अनुसार हम लोग ग्राम मेहरा में आए हुए हैं। यहाँ पर कम से कम 10 क्विंटल लहन नष्ट किया गया है, 4 भट्टियाँ तोड़ी गई हैं और एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ, बाकी सब फरार हो गए हैं और 130 लीटर शराब बरामद हुई है।